पता है कि फ्री फायर एक्चुअली में क्यों बैन हुआ है अचानक से? व्हाट्स द एक्चुअल रीजन, सही वजह क्या है जिसके चलते ये हाहाकार अचानक से हो गया? सुना, क्राफ्टन ने ये एक्यूज किया था कि पबजी मोबाइल के कुछ एलिमेंट्स ये गेम कॉपी करता है, और क्राफ्टन ने गूगल और एप्पल पे भी लॉसूट फाइल किया था ये बोल के कि वो अपने रेस्पेक्टिव एप स्टोर्स में इसको अलाउ कर रहे हैं। एयर ड्रॉप फीचर और बहुत सारे जो ओपनिंग सीन्स और सिलेक्शन ऑफ वेपन्स, ये सब चीज जो है, ये सब एलिजिडली फ्री फायर ने पबजी मोबाइल से कॉपी किया था, एंड ये एक रीजन हो सकता है फ्री फायर बैन का, एंड इसी के चलते शायद फ्री फायर रिमूव हो गया। बट इंडिया टुडे का आप ये आर्टिकल देखो, गूगल के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि अंडर सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट ये टेम्पोरली ब्लॉक्ड हुआ है, और जो डेवलपर्स है उसको नोटिफाई कर दिया गया है। अब इसके आगे क्या होगा, ये सब सस्पेंस में है कि आगे क्या होने वाला है। एंड इसके साथ साथ 54 चाइनीज एप्स को भी बैन कर दिया गया है। वैसे फ्री फायर का कोई चाइना से लिंक नहीं है, वो सिंगापुर से लिंक्ड है, और जो जो 54 एप्स बैन हुए हैं उसका पूरा लिस्ट यहाँ देख सकते हो। जब तक कि गवर्नमेंट जो कही है उसके रिगार्डिंग कॉम्प्लायंस इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो जाते हैं, तब तक फ्री फायर वापस नहीं आ पाएगा। फ्री फायर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, एंड जितने भी लोग हैं सब लगे हुए हैं कि कैसे गवर्नमेंट के जो भी कम्प्लायंस रूल्स है उसको अबाइड करके फ्री फायर को वापस लाया जा सके, एंड आई होप ये जल्दी ही होगा, अगर कुछ सीरियस कम्प्लायंस का ब्रेक नहीं हुआ होगा तो।